हेलो दोस्तों, तो देखिए आज मैं आपको संज्ञा पदों का वर्गीकरण बताने वाली हूँ। तो देखिए संज्ञा पदों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। कौन कौन है? पहला है अजंत, दूसरा है हलंत। संज्ञा पदों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, पहला अजंत, दूसरा हलंत। तो आइए देखते हैं अजंत और हलंत किसे कहते हैं। तो पहला है अजंत। अजंत वैसा संज्ञा पद जिसके अंत में आ, हर्षा ई, आ ई उ, री ली ए ऐ ओ और रहे, उसे अजंत संज्ञा पद कहते हैं। उसे अजंत पद कहलाता है या कहते हैं। अजंत क्या है? वैसा संज्ञा पद जिसके अंत में आ ई उ री ली ए ऐ ओ और रहे, उसे अजंत पद कहते हैं, अजंत संज्ञा पद कहते हैं। जैसे में देवा में देखिए देव अह विसर्ग है, लास्ट में अ है। फिर रामा, राम में भी लास्ट में विसर्ग है, अ है, तो इसे हम अजंत कहते हैं। संस्कृत में देखिएगा कि हमेशा ये हलंत और अजंत का प्रयोग होता है। किसी शब्द के अंत में दो गो बिंदु हो गया तो वो हो गया अजंत। और अब दूसरा देखिए है हलंत। हलंत क्या है? जिन संज्ञा पदों के अंत में हल लगा होता है उसे हलंत पद कहते हैं। तो हल क्या है? जैसे में श्रीमान, देखिए नाम में एक छोटा सा डंडा जैसा लगा हुआ है, देखिए ये है, इसी को हम बोलेंगे हलंत। देखिए पथिन, पथिन में ये है लगा हुआ नाम में, तो ये हुआ हलंत। तो ये है अजंत, जो विसर्ग जैसा है वो है अजंत और ये है हलंत। तो ये संस्कृत के ग्रामर में या संस्कृत में जहाँ बुक पढ़िएगा या कहीं भी, तो हमेशा ये दोनों शब्द का प्रयोग होता है, अजंत और हलंत। तो आज मैं संज्ञा पदों का वर्गीकरण बताई हूँ। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं मिलती हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।